वेलकम बैक टू चैनल डी फार्मा यार्मा नोट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टेक्सकोलॉजी टॉपिक एंटी फंगल ड्रग दिस वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन पेपर विद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फंगल इन्फेक्शन मे वी सिस्टमिक आर सुपरफिशियल दे मे ऑक्योर एज प्राइमरी डिसीज आर सेकेंडरी डिजीज टू ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक एंटी कैंसर ड्रग आर ड्यू टू एच आई वी इन्फेक्शन तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन किसका एंटीफंगल ड्रग का इसे एक बार और पढ़ा देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा फंगल इन्फेक्शन में भी सिस्टमिक आर सुपरफिकेशन ये एंटी फंगल जो है सिस्टमिक एंड सुपरफिशियल भी है दे मे वी एक्यूट आर प्राइमरी डिसीज एंड सेकेंडरी टू ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक एंड एंटी कैंसर ड्रग आर ड्यू टू एच आई वी इन्फेक्शन अब आइए इनके क्लासीफिकेशन देखते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ एंटीफंगल ड्रग इसका क्लासीफिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर है इसको क्लासीफाइड किया गया फर्स्ट नंबर में कौन से ड्रग का नेम बताया गया है एंटीफंगल एंटी बायोटीज ए नंबर पॉलिन्स हैं और इनके ड्रग नेम है इम्फोटेरिसिन बी नेमासिन और बी नंबर अदर्स से कौन से ड्रग का नाम नाम है ग्रेसिफ्यूलाबिन सेकंड नंबर एंटी मेटाबोलाइज ड्रग नेम फ्लूसाइटोसिन जिसे फाइव एफ सी कहा जाता है थर्ड पॉइंट एजोल्स एजोल्स की टू टाइप्स की ड्रग पार्ट ए एमिडाजोल्स क्लोट्रीमाजोल्स माइकोनाजोल कीटाजोल, एकुनाजोल्स पार्ट बी टायाजोल्स फ्लूकोनाज इट्राकोनाजोल टेराकोनाजोल फोर्थ एल्काइला माइंस जिसमें ड्रग्स हैं टर्बिनाफाइन एंड द नेक्स्ट टॉपिक अदर टॉपिकल एजेंट क्लोल्नाफ्लेट्स अनडिसिलिक एसिड वेंजोइक एसिड अब आइए पोलिन्स की कैटेगरी एम्फोटेरिसिन बी के बारे में जानकारी लेते हैं एंटी फंगल एंटीबायोटिक के अंतर्गत एम्फोटेरिसिन बी जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं देखिए ध्यान से इट इज ए पोलिन एंटीबायोटिक तो पोलिन का मीन होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो इट इज ए एप्शन फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस नोडोसिस फंगस नेम इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा अल्बिकेंस एल्बिकल इट इज फंगस स्टैटिक एट लो एंड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन आइए देखते हैं कोड ऑफ एक्शन के बारे में पॉलिन एंटीबायोटिक जो कि मैंने पहले बताया था इसमें डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट होते हैं। लो कंसेंट्रेशन में फंगस स्टैटिक बनता है और हाई कंसेंट्रेशन में फंगस साइडल ओके तो जैसे कि देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एम्फोटेरिसिन होता है जिसमें जब एम्फोटेरिसिन होता है उसके बाद जो ये बॉन्ड होते हैं वो अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं फट जाते हैं स्प्लिट हो जाते हैं मतलब फट जाते हैं तो जो उनका लिक्विड होता है वो बाहर आउट होने लगता है निकलने लगता है लीक आउट होने लगता है ओके तो जो फंगस इनके होते हैं ना वो डेड स्टेट में चले जाते हैं ठीक और हाई जैसे कहा जाता है तो ये हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है फंगस डेड हो जाते हैं तो उसे फंगस साइडल कहते हैं और जो जब नहीं फटता है जब मेन सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है तो उसे लो कंसेंट्रेशन में रहता है जिसे फंगस स्टैटिक कहते हैं ओके okay, अब नेक्स्ट चलते हैं ओरली अब्सॉर्बेबल फॉर्म आई हैज अ लॉन्ग 50 डेज ये वर्क करता है 15 डेज ओके अब देखिए इसके एडवर्स इफेक्ट फीवर चिल्स मसल स्पास्म्स वोमिटिंग एंड हाइपरटेंशन अब आइए इनके यूज देखते हैं इनको कैसे यूज किया जाता है टॉपिकली फॉर ओरल एंड वजाइनल में एंड इट इज द मोस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग ऑफ कालाजार ये कालाजार फीवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स अगर आपको इतना वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा यहाँ तक तो मैं थक चुकी हूँ और नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे लिखा रहेगा सेकंड पार्ट तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और इस पर भी डू लाइक शेयर अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा थैंक यू टेक केयर